ईश्वर के लोग सचिवालय में बड़ी आशाएं लेकर आते हैं। ऐसे में हम सभी का ये फर्ज बन जाता है कि यहां आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का बहुत तेज गति से और अच्छे ढंग से समाधान हो। कोसों दूर चलने के बाद कोई व्यक्ति यहां आए तो उसे लगना चाहिए कि आप उनके काम के लिए ही यहां बैठे हैं। वे यहां से जाए तब उनके चेहरे पर मुस्कान हो। आशा है कि राजस्थान संपर्क, जिसको हम बहुत जल्दी आपके सामने लाने वाले हैं, ऐसी अभिनव पहल इस दिशा में कारगर होगी। आप सब प्रशासन की शीर्ष संस्था के अभिन्न अंग हैं, इसलिए हमारे साथ साथ आपका भी एक बहुत विशेष कार्यक्रम है कि आप राजस्थान के नव निर्माण में प्राणपण से जुड़े। राज्य सरकार ने जो 60 दिवसीय कार्य योजना बनाई है उसको साकार करने के लिए समर्पित भाव से काम करें। याद रखें कि जन सेवा ही ईश्वरीय सेवा है, इससे आज के दिन हमें पूरी निष्ठा से लोगों की सेवा का संकल्प लेना होगा। अभी अभी धीरज जी ने कुछ अपनी बातें भी रखी, उन्होंने कहा कि मेरा दायित्व बन जाता है कि मुझे कुछ कहना होता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो आपके परिवार का एक अंग होने की वजह से मेरी भी कुछ मुसीबतें हैं जो मैं आपके साथ रख के ये कहना चाहूंगी कि आप भी मेरी उसमें मदद कर दें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं हैं, आपने महिला की बात की, महिला मुख्यमंत्री, महिला राज्यपाल, आपने ये कहा, मैं तो पहले से आपको कहना चाहती हूं कि महिला होने की कोई कमजोरी नहीं, मत देखना। मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि हमको किसी ने कोई कंसेशन नहीं दिए है, अगर हम यहां खड़े हैं तो ये इसलिए खड़े हैं कि हमसे उनसे भारी पड़े, आप लोगों से भारी पड़े हैं, इसलिए सब महिलाएं यहां बैठी हुई है। यहां किसी ने ये नहीं कह के कहा कि ये महिला है इसलिए अपने को यहां करना है। हमको दुगने उस ताकत से लड़ना पड़ा, जो भी काम हम करते हैं वो अगर जितनी आसानी से आप कर लेते हो अगर हो जाता तो मालूम नहीं हमारे कितने सारे लोग इस कतार में बैठे होते, अब मुझे ढूंढना पड़ रहा है। पर मैं ये कहना चाहती हूं कि वी आर हियर बिकॉज वी आर द बेस्ट, प्लीज वी आर हियर बिकॉज वी आर द बेस्ट, नो कंसेशन, आप लोगों ने हमको कंसेशन नहीं दिया है, राइट। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूं कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग फिर बीमार हो गए, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। और बीएसएफ सामने मेरे बैठे हैं, मैंने ये तय किया है कि ये भरतपुर का कार्यक्रम हम लोगों का निपट जाएगा, वापस आएंगे तो आप लोगों के साथ मैं बैठना चाहूंगा, क्योंकि मैं मानती हूं कि आप लोगों से कोई बात छिपी नहीं है, हम लोग एक साथ इस राजस्थान की सेवा में लगे हैं, इस नए राजस्थान को बनाने के लिए हम लोग सब मिलकर रखे हैं। और इसीलिए मेरा छोटा छोटा आप लोगों से एक निवेदन है। सबसे पहले मुझे याद है कि जब मैं यहां छोड़ के गई थी तो मैंने आप लोगों को 5 दिन का सप्ताह बना के छोड़ा था। मैंने इसलिए 5 दिन का सप्ताह आपके लिए बना के छोड़ा था क्योंकि मैं मानती हूं कि जो लोग काम करते हैं उनको अपने परिवार के लिए समय मिलता नहीं है, इसलिए मैंने आप लोग सबको कहा कि फ्राइडे की शाम को आप लोग अपना दफ्तर छोड़ के चले जाओ घर और हम आपको सोमवार के पहले देखना, आपकी शक्ल देखना नहीं चाहते। आप जाओ अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ समय निकालो, थोड़ा समय अपने घर के लिए दो, परंतु जब आप सोमवार को वापस आते हो तो याद रखना कि राजस्थान हमारा बहुत बड़ा परिवार, इसकी सेवा में आप आए हो तो मेहरबानी करके टाइम पे आओ, टाइम पे रहो, टाइम पे जाओ। ये काम अगर आप लोग करोगे तो मैं समझती हूं कि छठवां और सातवां दिन दोनों आप लोग छोड़ सकते हो, आराम से कोई काम करने की वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अगर अपने टाइमिंग रख लिए तो राजस्थान का बहुत लंबे चौड़े समय तक काम भी हो जाए। अभी मैं आपके इस सचिवालय में गई नहीं हूं, मैं मानती हूं कि अगर लोगों ने 5 साल पहले इसकी सफाई की थी, क्योंकि मैं मानती हूं कि अगर अपना घर साफ है, अपना दफ्तर साफ है तो अपने काम में कोई गंदगी नहीं है, अपना काम भी उसी तरीके से साफ हो और हम लोग डिलीवरी दे सकेंगे राजस्थान को, तो अभी अपन इसके बाद चलेंगे दराड़े। पर मुझे मालूम है कि आप लोग कोई यहां से दौड़ जा नहीं सकते, सब लोग यही व्यस्त हो,
तो एपीएसएस एसीएस आप लोगों के साथ अभी चलेंगे और देखेंगे कि एक महीना हो गया, मैंने वार्निंग दे दी थी कि हम आएंगे वहां, मंदिर की क्या हालत है, आपके ग्रीन मार्ग की क्या हालत है, आपके दीवारों की क्या हालत है, वो हमें देखने को मिल जाए। क्योंकि यहां हम लोगों को काम करना पड़ेगा और मैं समझती हूं कि यहां अगर हो जाता है तो जो यहां आपके बीच में आता है अपने काम अपने छोटे काम ठीक कराने के लिए, तो वो देखता है एटमोस्फेयर क्या है, जब वो देखता है कि सफाई है, जब वो देखता है कि आपके अंदर एक ऊर्जा जैसी बात निकल के आएंगे, तो वो दौड़ दौड़ के आपके पास आता है। जब वो देखता है गंदगी है, ढेर लगा हुआ है, कोई इधर उधर देख रहा है, उसको लगता है कि मेरे अगर ये स्थिति सचिवालय में होगी तो हमारा क्या हाल होगा, कभी चलेंगे देखते आएंगे उसको। हम लोग फिर से बीमार होने के कगार पे आ गए, और इस चीज से अगर अपने को निकालना है तो आपको याद होगा पिछले बार अगर बीमार थे हम लोग सबने मिलकर काम किया तो उस स्थिति में से हम लोग कैसे निकले। जब मैंने राज सौंपा था तो उस समय पे आप लोग पहली दफा रेवेन्यू डिफिसिट से निकल के 14 साल बाद पहली दफा रेवेन्यू सरप्लस में आए। एफआरबीएम के जो रूल्स लगते थे उस रूल्स के अंदर हम लोगों ने अपने फाइनेंशियल स्थिति को सही किया, और हमने बैंक अकाउंट्स के अंदर पहली बार पैसा छोड़ा। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि बैंक अकाउंट में पैसा क्यों छोड़ के जा रहे हो, कौन राजनेता ऐसा है जो निकल के जाएगा। मैंने कहा कि सरकार अपनी आती है तो अपन ने जिस तरीके से गृहिणी अपने घर को साफ सुथरा करके सब ठीक ठाक बना के जाती है उस तरीके से जा रहे हैं, कोई भी नहीं है पैसे लेगा। अगर मेरे पीछे मेरी सरकार नहीं आती तो कोई जो आता है उसको ये मालूम तो पड़ जाएगा कि हम लोगों ने किस तरीके से अपने घर को संभाल के छोड़ा है। ये आपके दोनों बैंक अकाउंट हम लोग पैसा छोड़ के गए, सब ठीक ठाक करके छोड़ के गए। हमने सोचा कि ये कॉम्प्लीमेंट जो हमने दिया था किसी और को, वो उनको भी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, परंतु जो हमको स्थिति मिली है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, और वो कुछ दिन बाद जो हमारी मीटिंग होगी उसमें बताऊंगी, तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके से हमारा घर है। हम अगर इस घर को संभालेंगे नहीं तो आगे नया राजस्थान कैसे बनेगा। ये खाली हम 10 लाख लोगों के लिए नहीं है, ये 4.5 करोड़ जनता का राजस्थान है, और हमने आपने मिलकर यह तय किया है कि इन 5 साल के अंदर हम फिर से वो स्थिति ला के छोड़ेंगे जहां नए राजस्थान बनने के हम लोग आशा रख सकते हैं, जहां हमारे बच्चे टेलीविजन के ऊपर जो देखते हैं उसको वाकई में करवा के दे सकते हो, देखते हैं कि दुनिया के अंदर किस तरीके से दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। आज हमको हमारी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है, कौन सा राजस्थान ऐसा देखी होगा। ये 5 साल बाद हम देखना चाहते हैं कि क्या हम उनके सपनों को पूरा कर सके, क्योंकि उनके सपनों के साथ हमारा सपना बना हुआ, उनके सपनों के साथ हमारे सपने बने हुए हैं। वो खुश है तो हम खुश हैं, हम सब मिलकर अगर उनको खुश कर सकते हैं तो राजस्थान के अंदर वो जो स्थिति है वो पैदा हो नहीं सकती जिससे हम हमारे परिवार दुखी हो जाए। यहां यंगस्टर्स बहुत सारे बैठे हुए, सब यंगस्टर्स की आंखों के अंदर सपना है, और बार बार की 14,000 किलोमीटर के सुराज संकल्प यात्रा के अंदर ये यंगस्टर्स थे जो मेरे व्रत के सामने आ आके मुझे अपनी पीड़ा को सुनाते। इसलिए मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूं कि ये पीड़ा सिर्फ मेरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति अकेला ये काम नहीं कर सकता, ये पीड़ा मेरी अकेले की नहीं है, ये हम सब 10 लाख लोगों की, हम सब की है, अधिकारियों की है, हम सब की है। और इसीलिए आज मैं कहना चाहती हूं कि हम प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी तो अपने विशाल परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, हमने हमेशा कर्मचारियों को सुशासन की कड़ी माना है। मेरे शुरू से ही मत है कि टीम वर्क के बिना कोई काम नहीं हो सकता, और इसी मैं बार बार आपको कह रही हूं एक व्यक्ति कोई चीज को बदल नहीं सकता, परंतु हम सब मिलकर पूरे प्रदेश को बदल सकते हैं, बस हिम्मत है ये बात। इसलिए मैं आज ये कह रही हूं कि टीम राजस्थान ही प्रदेश की जनता के सपने को साकार करेगी, टीम राजस्थान ही सुराज के संकल्प को पूरा करेगी, टीम राजस्थान ही हमारे प्रदेश को देश के अग्रणी प्रदेशों के अंदर खड़ा करेगी। इस टीम राजस्थान में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, अधिकारी, कर्मचारी,
सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं और प्रदेश की पूरी जनता है। इसलिए जब तक हम सब मिलकर कड़ी मेहनत के साथ राजस्थान के विकास में नहीं जुटेंगे, राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि विकास की इस रथ को आगे बढ़ाने के लिए आप सब आगे आएं। अधिकारी और कर्मचारी के सहयोग से ही तरक्की का पहिया तेज दौड़ सकेगा। मेरी आप सबसे अपील भी है कि राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम का पूरा लाभ जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। तो मुझे इसे कितना बता दीजिए कि जब आप सरकार की स्थिति देखते हो ना, शहर के अंदर चक्कर लगा रहे हो तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि शहर की क्या स्थिति है। जिस शहर के अंदर ढेर के भी कितने बड़े बड़े पड़े हुए हैं, जिस शहर के अंदर गंदगी है कि आपको अपनी साड़ी को उठा के चलना पड़ रहा है, वो शहर की अगर वो स्थिति हो जाती है तो आप मान के चलिए कि राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं है, प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। दो दिन के अंदर अगर ये सफल हो सकती है, अगर दो दिन के अंदर हम उस कचरे को उठा सकते हैं, तो क्या हम इसको अपना घर मान के नहीं कर सकते हैं? क्या आप अपने झाड़ू करके वो सड़क के ऊपर वही ढेर फेंक के रख दोगे, या उस ढेर को उठा के जहां रखना है उसके लिए एक एक आदमी अपना काम करेगा? आप लोग विधायक गए हो, मैं जानती हूं, कोई सिंगापुर गया है, कोई इंडोनेशिया गया है, कोई बाहर जाता है तो वो सब देखते हो, तब तो आप लोग कैसे काम कर लेते हो? तब तो कोई गिरता नहीं, जो डर लगता है कि कोई देख रहा है तो क्या सोचेगा। यहां तो आप लोगों ने सब ने करना है, चलो अपन भी देखो, कोई मतलब नहीं, ये चीज को अपने को बदलना है। इसलिए आप सब जानते हैं कि स्वराज संकल्प पत्र के अंदर मैंने आपको अपना माना है, और अपना मान के हमने प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए हैं। आप इन बिंदुओं के साथ पूरे संकल्प पत्र का जरा अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इसमें राजस्थान का समग्र विकास और सभी वर्गों के कल्याण के संकल्प शामिल हैं। या भी मैं कहना चाह रही हूं कि देखिए, आप लोगों ने सरकार हमारे हाथ में कौन सी तारीख को दी, बाहर बैठे आप समझिए कि दिसंबर से लेकर जनवरी एक महीना हुआ, और हमें पसंद हुआ है कभी अखबार में लिखने को मिलता है ये बदला नहीं, उसमें आता है वो बदला नहीं। अभी तक आप सब जानते हो कि यहां 10-10 घंटे हम लोग बैठे हैं, समीक्षा बैठकें हो रही है, क्या मैस एक एक डिपार्टमेंट के अंदर है वो देखने को मिल रहा है, किस डिपार्टमेंट के अंदर हमको क्या सुधार करना है वो देखने को मिल रहा है। अगर हमारी समीक्षा बैठकें नहीं होंगी तब तक हम तक ये बातें पहुंची ही नहीं। और मैं अभी आपको ये भी बता रही हूं कि विधानसभा बीच में आ रही है, हमारी समीक्षा बैठकें अभी भी रही है, और हमने इसलिए तय किया कि समीक्षा बैठकें पूरी होंगी, हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस बार मैंने ये कहा कि सबसे पहले हम लोग जो संभाग रह गया था उस संभाग पे जाएंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस इतनी जल्दी पड़ गया था, हम लोग उतनी तैयारी जितनी जल्दी करनी चाहिए थी नहीं कर पाए क्योंकि समय नहीं था। परंतु मैंने ये कह दिया है कि अब जनता को सरकार के पास नहीं आने की जरूरत होगी, हम लोग सरकार से जनता के पास जाने का काम करेंगे। हर 4-5 महीने में हम कैबिनेट मीटिंग वहां ले जाएंगे, हमारे 7 संभाग हैं, उन 7 संभागों के अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे और जाके वहां जनता के एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या स्थिति है वो देखते हैं, उसको सुधारने के लिए हम लोग लगेंगे। और इसलिए मैं आप लोग सबसे ये कहना चाहूंगी कि वैसे भी आप लोगों को मैंने अपनी ताकत माना है, पिछले बार भी मैंने माना था, ये तो एक परिवार, हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये ताकत चल निकल के आएगी तो हम लोग कुछ कर सकेंगे। सरकार के आंख और कान आंख हैं, आम जनता की समस्या के लिए सचिवालय जो है वो अंतिम पड़ाव माना जाता है, इसका हमें एहसास रहना चाहिए। जन समस्या के समाधान में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना ही सबसे बड़ी सेवा है। हमारा लक्ष्य है चुस्त प्रशासन और मजबूत सरकार, और हम चाहते हैं कि आप लोग सबको ये कहेंगे कि सरकार और हम सब मिलकर कुछ करना चाहते हैं इस प्रदेश के लिए, परंतु उसके बदलाव के लिए लोगों को हमें समय देना पड़ेगा, हम लोग तभी इस चीज को बदल